जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी अपनी गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। नगर पंचायत पागबड़ा में वार्ड का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी धीरे धीरे सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। बीती शाम पागबड़ा के गुरेठा रोड पर नगर पंचायत पागबड़ा के वार्ड संख्या 7 से चुनावी ताल ठोकने वाले पार्षद पद प्रत्याशी मोहम्मद सलीम द्वारा अपने कार्यालय का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे शाहिद हुसैन और मोहम्मद यासीन का क्षेत्रवासियों द्वारा फूलमालाएं पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने वार्ड संख्या 7 से चुनाव लड़ा है मोहम्मद सलीम के कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर काफी तादाद में क्षेत्रवासी मौजूद रहे और कहा गया कि मोहम्मद सलीम नेक दिल इंसान है, ऐसे लोग अगर चुनाव में आते हैं तो क्षेत्र का विकास जरूर कराया जाएगा। मोहम्मद सलीम द्वारा बताया गया कि इस वार्ड संख्या 7 से उनके भाई मोहम्मद कासिम चुनाव जीते थे और अभी भी पार्षद हैं। इस बार मोहम्मद कासिम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इस बार उन्होंने भी थाल ठोक दी है और मेरे भाई मोहम्मद कासिम और क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिक मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे पागबड़ा के वरिष्ठ समाज सेवी शाहिद हुसैन द्वारा कहा गया। जो है सब लोग मिलजुल कर जिता दे। पागबड़े के कौन से वार्ड से खड़े हैं ये? वार्ड नंबर 7। क्या नाम है इनका? सलीम अहमद। अच्छा, कैसे आदमी है ये? सही है, सज्जन आदमी है, किसी तरह लड़ते नहीं झगड़ते नहीं। तो पागबड़ा की जनता से क्या कहना चाहोगे इनके लिए? इनके लिए मतलब वोट दे, सब लोग मिलजुल के इसे जिता है जिससे ये विकास कर सके अपने वार्ड का। वहीं वार्ड संख्या 7 से पार्षद पद प्रत्याशी मोहम्मद सलीम द्वारा इस तरह अपनी बात को बताया गया। सर आपका? जी मोहम्मद सलीम। सलीम साहब कौन से वार्ड में रहते हैं आप? जी मैं पागबड़ा शनिवार को यार 7 वार्ड नंबर 7। आज जैसे आपने कार्यालय खोला है, क्या कहना चाहते हो जनता से? जी मैं ये कार्यालय इसलिए खोला है कि मैं यहाँ से 7 वार्ड से प्रत्याशी हूँ और गरीबों के लिए जो भी हो सकेगा, जैसे कि जो कोई स्कीम आती है जैसे वो आती है मैं उन लोगों तक पहुंचा सकूं। अच्छा, अभी बाढ़ में आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? बाढ़ में हमारा छोटा भाई इससे पहले सभासद है, समस्या तो कोई ऐसी कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ी सफाई की समस्या है, तो वो भी ये नहीं सुनते हैं, जैसे कि मतलब कर्मचारी वगैरह नहीं सुनते हैं, तो यही थोड़ी दिक्कत है। अब क्या भरोसा दिलाओगे जनता को अपनी? बिल्कुल इंशाल्लाह चाह जनता का उन पर पूरा भरोसा है, इसीलिए क्या कहते हैं हम दोबारा मैदान में हैं और इंशाल्लाह ने चाह कि आओगे और इससे ज़्यादा विकास करें। इस मौके पर मोहम्मद सलीम सेठ, शाहिद हुसैन, मोहम्मद यासीन, सेठ सुहेल, महफूज प्रधान, हाजी हनीफ, हाजी आविद हुसैन, सरताज कपड़े वाले, शकील अहमद गुड्डू वाले, हाजी फुरकान, मोहम्मद अबुलेश, मोहसिन खान, सरफराज हुसैन, रिजबान अरबन, अकरम उस्मान, ख्वाजा के साथ साथ भारी संख्या में क्षेत्र के युवा भी मौजूद रहे।